सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे अपने सामने ये जो स्विच वगैरह रखी है, तो आज की वीडियो होने वाली है अपने R15 V2 में जो है अपन इंस्टॉल करने वाले हैं गाइस इंडिकेटर फ्लैशर को इंस्टॉल। इंडिकेटर फ्लैशर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाइस सबसे पहले चाहिए आपको एक फ्लैशर जो आपको 300-400 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी। एंड ये जो है 300 रुपये की आफ्टर मार्केट बाइक की, एंड ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी। ये LED आप देख सकते हो इंडिकेटर लगाने के लिए, तभी जो आपकी फ्लैशर प्रॉपर वर्क करेगी, ठीक है ना। एंड थर्ड चीज़ चाहिए आपको एक गाइस स्विच, ओरिजिनल स्विच ही लेना गाइस, क्योंकि जब ये बाहर लगती है तो देखने में थोड़ा लुक अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो मिंडा की स्विच है, तो ये स्विच और एक चाहिए आपको टेप, ठीक है। और इसके बाद आपको बता देता हूँ गाइस खोलना हमको क्या क्या पड़ेगा। एंड गाइस कोई वायर जो है हम कटवट नहीं करने वाले हैं, सीधा प्लग एंड प्ले वाला सीन करने वाले हैं इसी के साथ। और बता देता हूँ कैसे इसको लगाना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो ये जो काउलिन का हिस्सा है ऐसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वायरिंग रहती है अपनी इधर पर ही रहती है इंडिकेटर वाली, दोनों इंडिकेटर यहीं पे जो वायरिंग इसकी रहेगी। तो गाइस अपनी बाइक में यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच का जो वायर रहते हैं, दो वायर रहते हैं, उनमें से एक वायर जो जिसमें करंट हमेशा आता है, स्विच ऑन करने पे आता है, तो जो वही वायर हमको बाहर निकालना है। तो गाइस इसके बाद मैं बताता हूँ स्विच कहाँ पे, स्विच हम यहीं कहीं हैंडल में कहीं इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसे खोल लेते हैं पहले। तो चलिए फटाक से मैं ईजिली आपको जो है फिटिंग बता देता हूँ इसकी कैसे करना है। तो पहले जो है गाइस मुझे खोलना होगा इसका बैक टेल पैनल खोल लेते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे करनी। एंड स्विच ये देख सकते हो आप, फ्लैशर की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ आपको। चार वायर की स्विच है गाइस अपनी, एंड आप देख सकते हो। एंड गाइस ये वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे पैक है ये, ठीक है। तो इसको गाइस लगाना कैसा है मैं आपको सीधा सीधा वायरिंग बता देता हूँ। ये जो दो आप देख रहे हो वायर, ये जो इंडिकेटर में लग जाएंगे अपने राइट लेफ्ट में, कहीं भी लगा दो, ये नहीं है कि ये राइट है ये लेफ्ट में, कहीं भी लगा दो ये राइट लेफ्ट में लग जाएंगे। ये है बॉडी अर्थ, इसको बॉडी से अर्थ दे देंगे, ये है अपना पॉजिटिव। तो इसको बता देता हूँ गाइस कहाँ पर लगाना है। तो चलिए फटाक से जो है इसकी इंस्टॉलिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो पहले बाइक को खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो कॉइलिंग जो है मैंने खोल लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग इसकी किस टाइप से होने वाली है। सो गाइस देख पा रहे हो ये जो पाउच है इसको खोल लेना है हमको, ठीक है। तो इसके अंदर जो है अपने इंडिकेटर की सारी वायरिंग है। गाइस आप देख सकते हो, ये देख सकते हो मैंने चारों इंडिकेटर एक साथ किए थे, तो ये जो लगा हुआ है इसमें, तो इसको जो है मैं अभी निकाल देता हूँ। एंड ये जो दो वायर आप देख सकते हो गाइस, ये जो इंडिकेटर के वायर हैं यहाँ पे, एक ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे आया हुआ है, एंड ये जो है एक ये। तो लेफ्ट राइट से गाइस कोई उसका वो सीन नहीं है कि लेफ्ट कहाँ का राइट कहाँ का है, इतना फंडा नहीं है। सिर्फ आपको सिर्फ इंडिकेटर के दो वायर देखने हैं। ये जो दोनों वायर में जैसे मैंने ये कट लगा हुआ है इसको निकाल दूंगा, और ये जो दो वायर है इसमें अटैच कर दूंगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है, और कोई वायर को कट नहीं करना है गाइस अपन को। तो चलिए मैं इसे कैसे करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। आप जैसे कि ये देख सकते हो ये जो दोनों वायर अपने इंडिकेटर के वायर हैं, तो चलिए सबसे पहले जो मैं इसको निकाल देता हूँ वायरों को, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये जो वायर है इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड अब जो है गाइस अपने ये जो वायर है इसके आप देख सकते हो येलो वायर, इन दोनों वायरों में अभी की तरह लगाने, तो ये देख सकते हो ग्रीन है एंड ये गाइस एक पिंक टाइप का वायर है, तो इन दोनों में हम इन दोनों को अटैच कर देता हूँ। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इतनी लेंथ जो है मैंने दोनों वायरों के अपनी फ्लैशर की जो है। एंड गाइस अगर अभी तक आप वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फटाक से इसे मैं फिट कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। तो गाइस कुछ इस टाइप से जो है आप देख सकते हो, मैंने कोई वायर को कट नहीं करना अपन को कहीं से, ईजिली जो है इसको प्लग एंड प्ले वाला ही सीन रहेगा गाइस ये। तो इस वायर को मैं कुछ इस टाइप से इसको इसके अंदर लगा देता हूँ करके, ठीक है ना। इस टाइप से गाइस जो वायर को अपन ऐसे करके ये यहाँ पे हो जाएगा, एंड ये जो वायर को गाइस अपन को इसके सॉकेट के अंदर लगा देना है। तो ये देख सकते हो गाइस इजीली लग चुका है। एंड अब ये सेकंड वायर इसको भी कुछ इसी टाइप से कर देते हैं, और इसे भी अपन लगा देते हैं। और यहाँ से गाइस आप इसको फोल्ड कर देना जिसमें ये निकले ना, वैसे तो नहीं निकलेगा पर फिर भी गाइस थोड़ा सा आपको अच्छे से कर देना है। दोनों वायर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से लग चुके हैं, एंड अब इसको वायर को जो है अपन बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इसमें कोई आपने देखा होगा गाइस कोई वायरिंग कट नहीं की है मैंने, अब इसको जो है मैं बंद कर देता हूँ गाइस। तो गाइस ये जो देख सकते हो पाउच को कर दिया मैंने बंद, अब जो फ्लैशर है गाइस इसको हमको यहीं पे इंस्टॉल कर देना है, कहीं तो ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे जगह भी है। तो ये जो अपनी इंडिकेटर की ओरिजिनल फ्लैशर है इसको लगा लेना, इससे कोई अपने को छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अपनी जिप टाइप से जो है मैं इसे टाइट कर दूँगा, ठीक है। तो आपको गाइस आपके पास होगी, मैं तो नॉर्मली मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो इससे मैं जो है इसे यहाँ पे टाइट कर देता हूँ।
सो गाइस अब देख सकते हो अपने ये दो वायर जो है अपन ने कनेक्ट कर दी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अपने पास ये जो दोनों वायर बच, तो गाइस नेगेटिव पॉजिटिव जैसे अपने ये दोनों हैं, ये जो दोनों वायर, एक तो अपन को मैंने बताया स्विच से कनेक्ट करना है, यानी इसको जो है अपन बॉडी से अर्थ कर देंगे, ठीक है। तो मैं अब बता देता हूँ इसके लिए कहाँ से वायर लेकर आना है, इसको तो यहीं की यहीं अटैच करना है आपको। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वायर कहाँ से लेके आना है। एंड गाइस थोड़ा सी आपको वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आप देख सकते हो इस टाइप का जो है पतला सा वायर, वहाँ से कनेक्शन यहाँ बाहर यहाँ पे लेके आता हूँ एंड वो दिखा देता हूँ कहाँ से लाता हूँ। तो चलिए आपको सीधा वहाँ पे कनेक्शन दिखा दूँगा कैसे करना है। सो गाइस देख सकते हो अपन लोग आ चुके हैं फ्रंट में, एंड फ्रंट में गाइस यहीं पे होती है अपनी स्विच की एंट्री। एंड स्विच जो है मैं आपको इस टाइप से, एंड स्विच को चलिए अनबॉक्स करके आपको बता देता हूं किस टाइप से ये अंदर से होने वाला है। एंड ये देख सकते हो काफी अच्छी पैकिंग में है गाइस, एंड आप देख सकते हो अंदर से कुछ इस टाइप से ये स्विच अपना निकला है। अब ब्रांडिंग जो है आप इसकी देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका क्या काम है गाइस, यहां पे जो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो गाइस आपको देखना पड़ेगा इसको लगाना का, क्योंकि R15 में आप देख सकते हो इतनी जगह नहीं है कि आप इसे लगा सको। तो इसके लिए तो चलिए वो तो बात का काम है, लास्ट में अपन कर लेंगे। बट जो इसमें से जो मैं आपको बता रहा था गाइस वायर, वो मैं बता देता हूं कैसे निकालना है। एंड एक बार इसमें से जो निकलेगा गाइस वो इसमें लगेगा, एंड इसका सेकंड वायर रहेगा जो मैंने अभी आपको ब्लैक वायर बताया था। सो गाइस जैसे यहां पे आप देख सकते हो R15 के अंदर एक पाउच रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी जो स्विच के जो दो वायर जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस ये जो स्विच का वायर है इसमें से आपको एक वायर में हमेशा करंट आता है और एक में स्विच ऑन करने के बाद करंट आता है। तो उसमें जो जिसमें स्विच ऑन करने पे करंट आता है आप लाइट लगा के चेक कर लेना। मेरे में मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हो इसको निकाल लिया, एंड इस ये देख सकते हो ये जो वायर है ये उसी से कनेक्ट करके निकाला है मैंने। एंड इसको क्यों पहले ही निकाल लिया था, जब मेरी बाइक में मैंने कूलेंट चेंज किया था तभी। एंड उसके लिए अभी जो पैनल खोलना पड़ेगा अपन को इसको अगर निकालना हुआ तो आप देख लेना गाइस, इजी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप इन दो वायरों में से चेक कर लेना जहाँ पे स्विच ऑन करने पे पावर आएगा उससे एक वायर ऐसा आप बाहर निकाल लेना जिसका कनेक्शन हम स्विच के एक वायर से करेंगे, ठीक है। और सेकंड जैसे कि आप देख सकते हो ये जो वायर है स्विच ऑन करने पे इसमें पावर आएगी, तो इसको जो है जैसे मैं इस ब्लैक बॉक्स वायर में लगा दूंगा, ठीक है। और ये जो ग्रीन वायर है इसको हम यहाँ से एक वायर लगा के अटैच करके, जैसे कि ये जो वायर है मैंने लेंथ के लिए यहाँ से अटैच करके हमको फ्लैशर के जो करंट वाले वायर यानी ये रेड वायर में जो है हमें लगाना है, ठीक है। तो चलिए पहले ये मैं कर लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कि अपनी फ्लैशर किस टाइप से काम करने वाली है, एंड लास्ट में जो हमें LED सेट कर देंगे। तो चलिए पहले मैं ये कर लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ किस टाइप से कनेक्शन। सो गाइस देख सकते हो ये जो दोनों स्विच के वायर हैं, ठीक है, और ये जो वायर है अपना अंदर से करंट का आया हुआ है ये स्विच में से, ठीक है। तो इसकी लेंथ अभी इतनी लंबी वो मैं कम कर दूंगा, ये पहले ही निकाल दिया था इसलिए इतना लंबा है। तो इसको देख सकते हो एक जो वायर है मैंने बटन अपनी स्विच जो है अपन ने अलग से ली है उसके ब्लैक वायर में लगा दिया, और जो आप जो रेड वायर ये देख रहे हो ये बता देता हूँ कौन सा वायर है। एंड ये वायर आप देख रहे हो गाइस ये ब्लैक वायर जो मैंने यहाँ से डाला हुआ है टैंक के नीचे से, दिखा देता हूँ कहाँ से डाला है इसे। एंड यहाँ से आप देख सकते हो टैंक के नीचे से यहाँ से होकर ये यहाँ पे गाइस थोड़ा कम पड़ गया था, तो यहाँ से मैंने रेड वायर लगा दिया और ये अभी दिख रहा है, फिर मैं और अच्छे से इसे अंदर कर दूंगा। तो यहाँ से होकर ये अपना देख सकते हो यहाँ पे आ गया, एंड ये ग्रीन वायर में जो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब जो अपनी स्विच में जो ऑन ऑफ करने पर इस पर पावर जाने लगेगी, ठीक है। तो अब इस वायर को जैसे कि यहाँ का आपने समझ लिया होगा, अब ये जो ब्लैक वायर है गाइस इसको अपन को कहाँ लगाना है, इसके पॉजिटिव में मतलब करंट में जो है इसको हम लगा देंगे, ठीक है, इसमें इसको लगा देंगे। और बचता है अपना लास्ट वायर गाइस यानी कि ब्लैक वायर, तो इस ब्लैक वायर को गाइस कहाँ टच करना है, इसको तो कहीं भी आप इसे टच कर देना गाइस और इसमें जो है अर्थ आने लगेगा। तो चलिए कनेक्शन कर देता हूँ और इंडिकेटर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली जो है अपनी वायरिंग हो चुकी है, एंड ये देख सकते हो ये जो वायर है अपना रेड वाला मतलब इसकी करंट का वायर है ये अपने ये ब्लैक होकर यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से सीट के नीचे से एंड टैंक के नीचे से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। और ये लग गया स्विच में, और यहाँ से जो इसका वायर है इसमें से एक जो है स्विच ऑन करने पे पावर आती है, ये जो वायर है यहाँ से अपनी स्विच के सेकेंड वायर में लग गया, ठीक है। एंड इसका जो गाइस नेगेटिव वायर था ये जो करंट मतलब अर्थ वाला था, तो इसको जो गाइस मैंने देख सकते हो यहाँ पे ये बोल्ट दिख रहा होगा आपको, तो इससे मैंने इसे बॉडी अर्थ कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अर्थ है कहीं से भी मिल जाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसको जो मैंने यहाँ पे बॉडी अर्थ कर दिया है गाइस, एंड अब जो है गाइस अपन को लगानी है इंडिकेटर में जो है LED मैंने आपको दिखाई थी उसे कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी जो देख सकते हो कुछ इस टाइप के बल्ब लगे, इनको अपन को कुछ ऐसे इस टाइप से राउंड कर लेना, ये बाहर आ जाए, ठीक है ना। इजीली देख सकते हो अपना जो बल्ब है वो बाहर आ चुका है, एंड अब इसमें जो है हम ये जो LED आप देख रहे हो इसको लगा देते हैं। इसको भी कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे ऐसे ले जाना है होल्डर के पास, एंड इसको थोड़ा सा ऐसे इसका रोस्ट करना है गाइस, और इसको थोड़ा सा इस टाइप से राउंड कर देना है, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो कुछ मैंने इस टाइप से इसमें फिट कर दी है ना, चलिए इसमें फटाक से ये लगा देता हूँ, चारों इंडिकेटर में ये LED डाल देता हूँ, एंड इसका लाइट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। तो कुछ ये इस टाइप से ब्लिंक करने वाली गाइस रेड कलर में मैंने लगाई, चारों इंडिकेटर में लगा देता हूँ और फिर आपको जो फाइनल लुक वो है दिखा देता हूँ पूरी फिटिंग करने के बाद।
सो गाइस देख सकते हो सारी फिटिंग हो चुकी है। अब जो मैं बाइक को पैक कर देता हूँ, ठीक है ना, सब कहीं से, एंड जो है वो LED भी मैंने डाल ली है। लास्ट जो बचता है गाइस अपने इस बटन को, स्विच को इंस्टॉल करना है। तो स्विच इंस्टॉल करने के लिए गाइस यहाँ पर तो जगह है नहीं है अपनी बाइक में, तो इसको देखो कहीं पे इसमें काट के, या दूसरी बाइक स्विच अगर मैं इंस्टॉल करूँ तो यहाँ कट के लग जाता है। बस ये काटने वाटने वाला काम मुझे करना नहीं है, मुझे प्रॉपर फिट करनी है गाइस। तो इसके लिए गाइस कहीं माउंट देख लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप से लगा दिए तो गाइस यहाँ पे तो मज़ा नहीं आ रहा यार, क्योंकि ये जो माउंटिंग है सही नहीं लग रही। इससे अगर मैं चाहता तो कर देता, बट ये चीज़ एकदम जुगाड़ टाइप की लग रही है। तो ठीक है यहाँ पे नहीं करते हैं, मैं देख लेता हूँ इसमें। तो गाइस ये जो जगह आप देख सकते हो यहाँ पे, ये प्रॉपर हो सकता है फिट, एंड आप देख सकते हो लुक भी अच्छा आएगा क्योंकि यहाँ पे ये है। तो ये जगह, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है आपका, तो इसमें जो है इसे हम फिट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा। एंड जल्दी इसे फिट कर लेता हूँ, जो है आपको फाइनल लुक जो है देख सकते हो। यहाँ पे जो है स्विच को भी मैंने इंस्टॉल कर दिया, और गाइस काफ़ी हैवी तरीके से हो चुका है इंस्टॉल। इसके कारण गाइस देख सकते हो यहाँ पे स्विच देखने में बेकार भी नहीं लग रहा है गाइस, क्योंकि इससे ये मैच कर रहा है, तो इसलिए स्विच को। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस वायरिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से इसकी वायरिंग होगी, इसके अंदर जो है गाइस मैंने कर दी है। एंड आप देख सकते हो बस जरा सा इसे रेड वायर दिख रहा है, बाकी यहाँ पे कोई वायर जो है नहीं लग रहा, जैसे अलग से कोई वायरिंग वगैरह लगाई हो। एंड गाइस देख सकते हो वीडियो में तरीके से मैंने आप लोगों को वायरिंग समझाने की कोशिश की है गाइस। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड गाइस अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर दीजिए, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, क्योंकि ऐसे ही जो वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो इनकी वीडियो गाइस मैं रात में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा गाइस, किस टाइप से ये इसके पैटर्न और कितने पैटर्न हो चुका है। एंड अपनी बाइक ये रही, एंड अब जो है मैं इसके स्विच ऑन कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं इंडिकेटर किस टाइप से अपने वर्क करते हैं। एंड आप देख सकते हो गाइस जो अपने नॉर्मल इंडिकेटर आप देख सकते हो, यूजुअली हम इन्हें यूज़ करें तो अभी अपने यही इंडिकेटर काम करते हैं गाइस। जो है अपनी मेन स्विच को अपन ऑफ कर देते हैं, एंड अब जो है इसके पैटर्न आप देख। सो गाइस पैटर्न चेंज करने के लिए हमें इस स्विच को ऑन ऑफ करना है, तो इस टाइप से मैंने देख सकते हो ऑन ऑफ कर दी है, एंड ये देख सकते हो पैटर्न। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps.